मेरा नाम हरिंदर सिंह है, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू एंड कश्मीर से? हाँ जी, हाँ जी, जम्मू। हमें तो मतलब 1980-1990 से हम फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब 370 हटा, सर मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, वहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं है, वहाँ पे कोई किसी कर्फ्यू का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कभी भी हमें बिजली का या पानी का या कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, जी सर, जी सर, हमारे वहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, और 5G फ्री है सर, 5G फ्री है। डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। इंडिया को ये जरूरत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं, वो उसको भी हड़प करना चाहता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी करेंसी 18 मुल्कों में चल रही है। ऑनलाइन मेरी एक बात हुई थी एक कश्मीरी रेजिडेंट से, एंड देवर सेइंग के आपके जो आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है कश्मीर के हवाले से, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा जो है स्क्रिप्टेड है, और वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं बताया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट जो वहाँ पे किलिंग हो रही है ऐसा नहीं हो रहा, और काफ़ी कुछ जो है बनी बनाई बातें हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना हम, जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स। इंडिया की पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। बड़ी रैली होने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है कि हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जल्द से जल्द कश्मीर तशरीफ ले आए, और बहुत बड़ी रैली वहां पर बीच को होने वाली है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपने टेन्योर में इन 10 सालों के अंदर दूसरा विजिट होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस रैली से पहले ही जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने, वहाँ की औरतों ने, वहाँ के मर्दों ने, वहाँ के बूढ़ों ने, वहाँ के जवानों ने तैयारी पकड़ ली है कि किस तरीके से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस्तकबाल करना है। उनके लिए पहले ही स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन मेरी एक बात हुई थी एक कश्मीरी रेजिडेंट से, एंड देवर सेइंग के आपके जो आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है कश्मीर के हवाले से, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा जो है स्क्रिप्टेड है, और वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं बताया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट जो वहाँ पे किलिंग हो रही है ऐसा नहीं हो रहा, और काफ़ी कुछ जो है बनी बनाई बातें हैं। तो वी डोंट, इंडियन कश्मीरी ने बताया? यस, इंडियन कश्मीरी। उन्होंने क्या बताया, क्योंकि वो इंडियन कश्मीरी तो वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि वहाँ का क्या माहौल है या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर? अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ पे ऐसे कोई भी मतलब कोई टेररिज्म या कोई इस तरह आर्म फोर्सेस नहीं है जैसे कि हमें टीवी पे दिखाते हैं ना। फॉर एग्जांपल 300 बिजली के मुफ्त यूनिट है वहाँ पर, तो वो मुसलमानों के लिए भी फ्री है, वो हिंदुओं के लिए भी फ्री है, ये भेदभाव नहीं, और ऐसा ही सेम कश्मीर में भी है। लेकिन इस बात की कोई वो एविडेंस भी तो नहीं है ना। आर्टिकल्स गूगल में ढेरों आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कश्मीर से रिलेटेड, आप अभी अगर गूगल करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा हो भी रहा है कि गूगल? गूगल तो रिलायबल सोर्स है, गूगल तो आपको ये भी कह देता है कि आपको कैंसर है अगर आप जरा सी सर दर्द भी लिख दो। इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। कैसे कह सकते हो तुम यार, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। ठीक है, मुसलमानों पे जुल्म, एक मिनट, जो मुसलमानों पे मसला देख लेना आप उनका, मुसलमानों पे जुल्म करेगा वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चाइना के अंदर क्या, चाइना के साथ तुम्हारे अच्छे तल्लुक आते हैं? उधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना उधर, कौन से मुसलमानों पे जुल्म? ख्याल उधर खबर जा रही है, वहाँ पर दाढ़ी नहीं, वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखने दी। आप इंडिया का पूछे, नहीं आपने कहा जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। चाइना में मुसलमानों पे जुल्म कहाँ किया, कौन आपको अभी रिकॉर्ड दिया, कौन सी मिसाल दे रही है मुझे मुसलमानों पे जुल्म होने चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, चाइना छोड़ दें, इंडिया जहाँ पे भी, हम पाकिस्तान में देख ले क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के साथ हो रही है जुल्म, हो रहा है थोड़ा बहुत, वी एक्सेप्ट एवरी फकिंग थिंग जहाँ पे भी हो रहा है। माइनॉरिटीज जहाँ पे भी होंगी ना उनके साथ इस तरह की जुल्म होता है बिकॉज जब मेजोरिटी होती है ना वो मोनोपोली बन जाती है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना हम, जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स। ठीक है, अगर हमारी दोस्ती होती है तो हमारे ट्रेड भी अच्छे हो जाते हैं, के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने पे हमारा फायदा है, हमारा फायदा है ना, वहाँ से ट्रेड होगी, हमारा फायदा है, लेकिन हम अपना फायदा चाहते ही नहीं है। पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं वो तो
ऑब्वियसली सरासर गलत है, गलत है आप ये कहते हैं exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं, अदरवाइज तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है उनको देखें, उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आजाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं, हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएं, और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला, और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नजर आएंगे, वहां पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर खाली अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अच्छा सर, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम एक रैशनल से बात करते हैं, क्या सोच रखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हमने भी बहुत ज्यादा फेस किया है कि कभी आपको ना कर्फ्यू लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। इंडिया में पूरे लोगों को कर्फ्यू के बारे में तो तब पता चला जब कोविड हुआ, कोविड में कर्फ्यू लगा, लेकिन बाद में लोगों को कर्फ्यू के बारे में हाँ जी पता चला जब कोविड में कर्फ्यू हुआ, लेकिन हमें तो मतलब 1980 से हम फेस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब 370 हटा, सर मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं है, वहां पे कोई किसी कर्फ्यू का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कभी भी हमें बिजली का या पानी का या कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, जी सर हमारे वहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, और 5G फ्री है सर, 5G फ्री है मेरे पास। मैं अभी गया था वहाँ पे, मैं लास्ट हम नवंबर में, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी सर 6 से 7 रुपए पर यूनिट है, जो कि पूरे इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इंडिया में 12 या 13 पे है, लेकिन वहाँ पे कम है सर। ठीक हो गया। मैं ये भी एक चीज इन्फॉर्म करता चलूं देखने वालों के, यूएई भी कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा, मतलब माल ऑफ श्रीनगर के नाम से और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट। आजम ने ये पहले दिन ही फरमा दिया था कि जो कश्मीर है ना वो हमारी शाहराग है। हम 70 सालों से कश्मीर डे तो मना रहे, लेकिन कश्मीर के लिए हमने कभी कुछ किया नहीं है, ना आजाद कश्मीर के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं ना, हमारी जितनी गवर्नमेंटें आती हैं वो सियासत करती हैं। अगर वो इसका सलूशन निकालें, उनको डेवलपमेंट दें, तो उनकी सियासत खत्म हो जाती है। तो सियासत खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि बेसिकली हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है, वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ अगर वो देखें ना वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पर क्या किया? उसके मुकाबले में कुछ भी हमने नहीं किया। वो एक हिंदू कह लें प्राइम मिनिस्टर होकर, वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुइज्म है, वो उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में उन लोगों को तरक्की भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बरक्स आईटी हब बन गया है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। आप एजुकेशन का निजाम देखे, वहाँ पे दिन ब दिन कितना बेहतर होता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक वहाँ पर बिछाया गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखे वो उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, उनको इससे आगे नहीं। वो कश्मीर में दूर दूर तक जो है वो हॉस्पिटल नहीं है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपने प्यारे को हॉस्पिटल ले जाते ही उसकी जान चली जाती है। जी मैं, क्योंकि ना हमारा एक बोर्ड का ग्रुप भी है, हम तकरीबन पाकिस्तान के विजिट करते हैं हर साल, तो कश्मीर भी हम गए हैं, मगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज से हम 10 साल पहले भी गए थे, अब भी गए हैं, तो वैसे का वैसे ही है। तो बैठ के बच्चे वहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कश्मीर हमारी शाहराग है, शाहराग का ये हाल किया जाता है। बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर सियासत नहीं खत्म करेंगे और अमली तौर पर हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता।